बनियान के नीचे सिक्स पैक है, दिखाऊं उठा के बालों वाले सिक्स पैक। तो ये हमारी मैगी, बाहर बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी रोशनी नहीं है यार भाई, मैं लाइट नहीं चला रहा हूँ, शायद अंधेरे में वो कुछ दिखेगा नहीं, पर ना कुछ आवाज़ें आ रही थी बाहर से भी। पंजाबी का बेटा बनिया दामाद लेकर आ गया हूँ आपको एक और नई जगह पर, और ये जगह पता है कौन सी है? ऋषिकेश। अब आप सोच रहे हो यार ऋषिकेश में क्या नया दिखाने वाला है, नया मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रैवलिंग के साथ साथ कैंपिंग भी। हाँ जी, हम लोगों ने पूरा एक सेटअप बना लिया जिसमें हम अपनी कार में ही कैंपिंग करेंगे और साथ साथ ट्रैवलिंग भी करते चले जाएंगे। तो फिलहाल हम लोगों के सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी हम लोगों ने एक अच्छी सी जगह ऋषिकेश में देखकर पानी के पास गाड़ी को रोक लिया है। फिलहाल हम अपनी डेली नेसेसरी को पूरा करने जा रहे हैं, जैसे कि अभी हम करेंगे ब्रश और उसके बाद फटाफट से बनाएंगे अपने नाश्ते क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। ये सारी चीज़ें शूट करूंगा, आपको दिखाऊंगा। ये भाई साहब पूरे इको फ्रेंडली हो गए हैं, गुप्ता जी हैं हमारे, और ये लकड़ी का ब्रश लेकर आए हैं ताकि कह रहे हैं एनवायरमेंट को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, तो ये थूकेंगे भी अपनी जेब में। चलिए हम ब्रश करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, मैं रणवीर सिंह नहीं हूँ, मैं धीरज आनंद हूँ, इसलिए मैं कपड़े उतार के नहीं दिखा रहा हूँ, छुपा छुपा के दिखा रहा हूँ, कोई सिक्स पैक नहीं है मेरे इसे। सूर्य देवा ये देखो, मैं सिक्स पैक की बात कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कैंपिंग में, हमने बहुत देर से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जब से हम कैंपिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तब से कुछ ना कुछ उल जलूल हरकतें हो रही हैं, लेकिन ये हरकत उल जलूल नहीं है। ब्रश हमने कर लिया है और अभी यहाँ नदी में नहाने वाले हैं, अगर आप देख रहे हो ना मस्त रिवर बेड है यार, यहाँ नहाएंगे और उसके बाद पकाएंगे अपना ब्रेकफास्ट और मस्ती से खाएंगे इसी पानी से। आप जुड़े रहो बहुत यार। योग मुद्रा में ओम नमः शिवाय। भाई साहब कुछ लोग पानी में आते नहीं है, उन्हें लाना पड़ता है। ये इनका सूर्य को जल अर्पित कर करके थक गए हैं, वे अपने आप को जल अर्पित करने शुरू कर दिए। तो यार नहा धो लिए हैं हम लोग, और अभी ना एक पंगा यार एक्चुअली कि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ ना सारा नीचे ना पत्थर वगैरह है, तो पानी वानी देख कर क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और हम लोगों ने ब्रश वगैरह और सब कुछ फ्रेश व्रेश अपन यहाँ पर हो गए मस्त एकदम, और नहा धो भी लिए तैयार हो गए। पर अब क्या है ना कि यहाँ ना टेंट नहीं लगा पा रहे हैं, तो कैंप हमारा यहाँ पर लग नहीं पा रहा है, हम ऑनिंग लेकर आए थे तो ऑनिंग हमारी यहाँ पर नहीं लग पा रही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, विदाउट ऑनिंग ही यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाएंगे, उसको खाएंगे और फिर उससे ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग लेट्स सी विल मूव टू द डिफरेंट लोकेशन, क्योंकि ऑनिंग वगैरह लगा कर ही बैठ पाएंगे तभी मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पत्थर है। तो वैसे बड़ा बढ़िया व्यू था तो हम लोगों ने वो एन्जॉयमेंट ले लिया, सब कुछ कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। कैंपिंग ऑनिंग हम लोग कहीं और जाकर लगाएंगे और फिर वहाँ जाकर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। यार नहा धो गए ना, थक गए, मैंने कहा 5-10 मिनट का रेस्ट ले लें और फिर उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बना दें। और एक ना चीज़ आपको और दिखाता हूँ, और ना गुप्ता जी बैठे हैं वहाँ देखो, ये गुप्ता जी हमारे लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं काम करने के लिए, आग लगी हुई थी इन्हें घूमने की, ये बहुत बड़ी एमएनसी में काम करते हैं और नाम रोशन कर रहे हैं। और देखो इधर पानी देखो इनका, गुप्ता जी काला पानी होता है ना, काला पानी विराट कोहली वाला कैमरा मैन साहब इधर लाना, वो विराट कोहली वाला पानी होता है ना काले वाला, क्या होता है गुप्ता जी, अल्कलीन वाटर। ये भाई साहब वो पानी पीते हैं और ये कैंपिंग का और इस ट्रिप का सारा खर्चा यही उठाएंगे। हमारे साथ एक लाला जी आए हैं, हमें पता नहीं था, ये शेफ़ संजीव कपूर के छोटे भांजे हैं, शेफ़ मनीष कपूर,
और ये हमारा खाना भी आज हमारा एक्चुअली शेफ है ना यही है। अभी ये जो आपके लैपटॉप दिख रहा है ना उनके हाथों में थोड़ी देर में आपको चाकू छुरी कांटे दिखने वाले हैं। थोड़ी देर वेट करो, आप वेट करो, दिखाता हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ यार एक चीज़ और, कई बार ना आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो चैनल और दोबारा हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद ना आप दोबारा से सब्सक्राइब कर देते हो जिसकी वजह से अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो प्लीज़ एक बार आप ये भी चेक कर लेना कि अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो उसे अनसब्सक्राइब मत कर देना। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार, बहुत मेहनत हो रही है बस इस ट्रैवलिंग कैंपिंग की वीडियो को ऊपर पहुँचा। फाइनली हम लोग ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं और मुझे बहुत तेज़ हमें भूख लग रही थी यार, तो हम लोगों ने थोड़ा सा स्नैक्स लेकर आए थे, तो बिस्किट नमकीन वगैरह हम लोगों ने खोल लिया और हम लोग स्नैक्स की मंचिंग कर रहे हैं। साथ साथ टेबल हमारी लग चुकी है, हमारी रॉ आइटम्स लग चुकी हैं जो हमें ब्रेकफास्ट में खानी है। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या क्या आइटम है। तो ये हमारी मैगी, ये हमारा तेल, वो हमारे नमक मिर्च मसाले सारे के सारे, ये हमारी गैस, पानी मैगी बनाने के लिए पानी, और ये हमारी छोटी सी बास्केट जिसमें हमारी सारी वेजिटेबल्स जो जो चीज़ें हम लोग डालना चाहते हैं, टमाटर, गाजर, प्याज, गोभी, शिमला मिर्च, सब कुछ हम लोगों ने इसमें रखा हुआ है। और ये रहा नदी का किनारा, है ना मज़ेदार जगह, बैठो खाना बनाओ नदी के सामने, मस्ती करो, क्या फील आ रही है यार। ये हमारे बड़े भैया अलग ही खोए हुए हैं। सो यार अभी ना क्या हुआ कि यहाँ ना पीछे ना कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, तो वो लोग ना पहले भी हमसे बोल रहे थे रूम्स वगैरह ले लो, तो हम लोगों ने मना कर दिया क्योंकि हमारे पास सारा अरेंजमेंट था। वो शायद थोड़ा सा चिढ़ गए, तो वो ना अभी अभी इकट्ठे होकर दो तीन लोग आए और उन्होंने आकर बोला कि आप गंदगी मत फैलाओ नदी के पास, गंदा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, कंप्लेंट कर देंगे, आपका चलान कर देंगे, आपको यहाँ से जाना होगा। वैसे भी यहाँ पर हमारा कैंप नहीं लग पा रहा था, तो अभी फिलहाल हम यहाँ के लिए जा रहे हैं। बाकी यार कोई कुछ भी कहता रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, हम नहीं चाहते किसी भी तरह गंदगी फैलाना। हम लोगों ने बिस्किट्स वगैरह खाए थे, किसी हम लोगों ने गार्बेज बैग में भर लिए हैं और हम इसे साथ लेकर जा रहे हैं। तो मैं आपसे भी यही अपील करूंगा कि चाहे किसी से परमिशन लो चाहे मत लो, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, बट हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये सुंदर रहेगा तभी हम यहाँ पर आकर एंजॉय कर पाएंगे और ऐसे व्यूज़ और ऐसी चीज़ें जो अभी हम कर रहे थे यहाँ पर वो हम कर पाएंगे। चलें अभी कैंपिंग करने आए थे ना रिवर बेड साइड पे, वहाँ आने की एक बार मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, रास्ता दिखाता हूँ बेसिकली कि रास्ता किस तरीके का है। देखो मस्त छोटी सी रोड है, दोनों तरफ जंगल है, मजेदार रास्ता है। और मतलब सही में अगर आपको किसी खूबसूरत जगह पर पहुंचना है ना तो आपको पहले ऐसे रास्तों से डेफिनेटली निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छी अच्छी जगह इतनी आसानी से नहीं मिलती है, वो कहीं छुपी हुई होती है, ढूंढ के निकालना पड़ता है। अब मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाल रहा हूँ और मांग के आ रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, अभी कर दो, अभी 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 देखो नीचे अंगूठे का बटन है उसे दबाओ। बहुत लेट हो चुके हैं, सुबह आपसे ऋषिकेश में मिला था और ऋषिकेश में हम लोग नहीं कर पाए थे, मैगी नहीं बना पाए थे क्योंकि आपको रीज़न मैंने बताया था। फिर हम ऋषिकेश मेन एरिया में चले गए, वो बहुत ज़्यादा पैक था, फिर बहुत ज़्यादा भूख लगी थी हल्की, वो चाय नाश्ता हमने ले लिया ऑल्दो हमने कैंपिंग में सब कुछ बनाना था। अब फाइनली हमें एक लोकेशन मिली है, करीबन 7:30 हो गए हैं। सो फाइनली हम लोगों ने अपना सेटअप तैयार कर लिया है और थोड़ा सा डर लग रहा है यार, आज हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, करीबन रात के 8:30 हो रहे हैं और 7:30 मैंने आपको 7:30 मैंने आपको बताया था पहुंच रहे हैं, तो और अंधेरा एकदम हो चुका है। अगर आप मैं कुछ ना बोलूँ ना और चुप रहूँ तो आपको सन्नाटे की ये जो आवाज़ आती है ना वो आवाज़ सुनाई देगी, एकदम बियाबान है यार। और हम फटाफट से डिनर बना के खाना चाह रहे हैं और डिनर पे हम प्लान कर रहे हैं कि हम नॉर्मल मैगी बनाएंगे, उसे खाएंगे और फटाफट से अपनी राम प्यारी में सो जाएंगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से बैठ के सेटअप कैसा है। डर लग रहा है बिल्कुल, लेकिन देखते हैं अब आज खुद बनाएंगे हम और खाएंगे, फिर देखते हैं कल हम अपना एक स्पेशल मेन्यू बनाएंगे और विल कीप यू पोस्टेड कि वो कैसा बना, और विल कीप यू पोस्टेड कि वो कैसा बना। हम लोगों का फर्स्ट टाइम है ना, हम लोगों ने ये डंडा रख लिया अपने पास में
क्योंकि वैसे तो किसी का डर नहीं, कोई जानवर अगर आ जाए भाई चांस, क्योंकि भाई जंगल है, अंधेरा है, कुछ नहीं पता। और अभी ना थोड़ी देर पहले कुछ आया था, पता नहीं बिल्ली था, बिल्ली थी या वो कहते हैं ना जैकॉल जो होता है, जैकॉल को पता है क्या बोलते हैं, गिदड़। तो वो आया, हमें देखा, चीज़ जो भी था वो भाग गया, फिर आया फिर भाग गया, वो गाड़ी की तरफ ही भागा। तो अपना डर लग रहा है यार कि पता नहीं क्या आ जाएगा। एक बार ने बोल दिया यहाँ पर ना बाघ शेर आ जाते हैं रात को, तो हमने रख लिया है पास में। और तो मुझे पता है बाघ शेर के आते तो हमारी फटेगी, हमारे से कुछ होने वाला नहीं है, बट फिर भी सेफ्टी के लिए हमने इसे रख लिया है। और अब ये जाने वाला है हमारी मैगी में, मैगी मसाला जो है मैगी की जान। टिंग 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 फड़का बड़ी है मैगी मसाला। ओ भाई यहाँ से आवाज नहीं आई। कौन सी आवाज? इधर पत्थर के पीछे से, इधर पत्थर के पीछे। मैगी में कोई और शेर करके खा लेगा भाई। वो मनी भाई डर में लग, ऐसे मत करो यार भाई। अभी ना पीछे पत्थर पड़े हुए बहुत सारे मेरे, अभी ऐसे पीछे पत्थर के पीछे से ऐसे आवाज आई बहुत तेज से। मेरा डंडा कहाँ है? मैगी पे फोकस करो, मैगी पे। कोई हम पे फोकस कर रहा होगा और हम मैगी फोकस कर रहे हैं ना गुप्ता जी। पहले पेड़ कूद जाए फिर काम दूध जाए। देखो आवाजें तो आ रही हैं, ऐसी चीज है, आवाजें तो आ रही हैं, डर तो लग रहा है, आ रही है ना। और मैं कह रहा था भी पत्थर के पीछे आवाजें बहन तो कोई शेयर कर लेगा। हवाई ना आवाज बोला था ना मैंने। भैया प्लीज़ अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। पहाड़ों वाली मैगी, मैगी मसाला मैगी, जैसे भी यार मैगी जैसे ही बने वैसे ही। खुद ने मेहनत करके बनाई वो भी जंगल में। जंगल में। ओ भाई। पानी ज़्यादा डल गया वैसे। थोड़ा हल गया बट लेकिन फिर भी चीजें संभाल लिया। भूख लग रही है यार, हमने बना लिया यहाँ बैठ के, फट रही है, फट लिटरली फट रही है। लो मनु भाई बहुत ज्यादा खा लिया यार, ट्रैवलिंग कर ली, कैंपिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, खा पी लिया, टेंट में बना भी लिया। अभी बात है सोने की, सोने के लिए कहाँ जाएं? सोने के लिए भी हमारी अपनी कैंपर वैन में हमने पूरा जुगाड़ किया हुआ है। चलिए आपको दिखाता हूँ अपन कैसे सोने वाले हैं, आ जाओ। तो यार फाइनली हम लोग गाड़ी में आ गए हैं, खाना पीना सब हो गया है, हम लोग गाड़ी के अंदर घुस गए। बाहर बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी रोशनी नहीं है, जो रोशनी है हमारे से ये। तो हम सोने जा रहे हैं। गुड नाइट एवरीवन, बाय, मिलते हैं सुबह। हाँ वेरी राइट, टाटा बाय, बंद कर दो। मनीष भाई, भाई भाई आवाज़ नहीं आ रही कुछ बाहर से, क्या टाइम हो रहा है भाई? एक बज रहा है, सोने दे यार, सोने दे भाई। सुनो तो मनी भाई, सुन तो सही, आवाज़ तो सुन, ध्यान से सुन, देख बहुत देर से आ रही है यार ये आवाज़, सोने दो यार, एक बज रहा है रात को, कल देखेंगे भाई यार।